फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते एक बार फिर महिलाओं से किस चुंबन को लेकर चर्चा में आगे हैं। पिछले साल उन्होंने दक्षिण कोरिया में एक शादीशुदा फिलिपिनो महिला के होठों पर किस करके विवाद खड़ा कर दिया था। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल 74 वर्षीय राष्ट्रपति रोड्रिगो हाल ही में जापान के दौरे पर थे, जहां उन्होंने फिलिपिनो समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। संबोधन से बाद उस वक्त मंच पर मौजूद लोग और मीडिया कर्मी हैरान रह गए, जब उन्होंने मंच के पास ही बैठी एक महिला से उन्हें किस करने को कहा। CNN फिलीपींस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला तो पहले झिझकी, लेकिन बाद में वो किस करने को तैयार हो गई। उसने राष्ट्रपति से पूछा कि कहां किस करना है, होंठ पर या गाल पर। उसके बाद महिला ने गाल से गाल मिलाकर राष्ट्रपति को किस किया। इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी महिला ने भी राष्ट्रपति के गालों पर चुंबन लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने दो महिलाओं का हाथ भी पकड़ लिया। बाद में उन्होंने सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया। इन सब के बीच सबसे चौंकाने आने वाली बात ये थी कि उस वक्त मंच पर उनकी लंबे समय की साथी हनी लाइट एवं सिन्हा भी मौजूद थी। Z News की रिपोर्ट।